हाय हाय, ये क्या हो गया? पता नहीं मेरी बकरी आखिर कौन लेकर चला गया। यहाँ पर इस तरह हताश होकर रोने से क्या होगा? जाओ जाओ, बकरी को ढूंढने जाओ। मैंने सब जगह ढूंढ लिया है भाई, लेकिन कहीं भी नहीं मिली। मेरी गाय को कहीं देखा है क्या? अरे ये क्या, तुम्हारी गाय गुम हो गई है? हाँ, कल रात से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिल रही। अब कहाँ होगी? अरे ये क्या, ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे रास्ते से हटो, अंतर्यामी मंदा जी को जाने दो। ये मंदा कब से अंतर्यामी हो गई भाई? ये भी नहीं जानते हो, मंदा जी अब पहले वाली इंसान नहीं रही। सभी का भूत भविष्य वर्तमान बता देना इनके बाएं हाथ का खेल है। देश विदेश से भी लोग आते हैं अंतर्यामी मंदा जी के पास। ऐसी बात है? अभी कुछ दिन की ही बात है, हमारे गांव में एक अमेरिकन साहब आए थे, उनकी पत्नी खो गई थी, कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाया, सभी फेल हो गए थे। उसके बाद मंदा जी को बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ? मंदा जी ने कहा कि ये गांव छोड़कर मैं अमेरिका नहीं जा सकता। ओह, तो फिर मंदा जी ने क्या किया? यही तो बात है, साहब के साथ अमेरिका जाए बगैर मंदा जी ने यहीं से साहब की पत्नी को ढूंढ लिया। अरे वाह, यहीं पर बैठे बैठे अमेरिका में साहब की पत्नी को ढूंढ भी लिया। मंदा बहन, अगर तुम में इतनी ज्यादा शक्ति है तो मेरी बकरी को जरा ढूंढ दो ना। हाँ ढूंढेंगे ना। छोड़ो छोड़ो, मंदा की बातें गोलगप्पे की तरह पिचक जाती हैं। ए, मैं हूँ अंतर्यामी मंदा, सिर्फ देखूंगी और बता दूंगी किसका क्या और कहां से खो गया है। तो फिर पैसा फेंको और तमाशा देखो, मतलब कि पहले पैसे दो उसके बाद ही जानकारी मिलेगी। दूंगा, आप जो बोलोगी मैं वही दूंगा, आप बस मेरी बकरी ढूंढ दो। हाँ ये रही, हाँ वो तो भाग गई है, लेकिन लेकिन क्या? देखो जरा, अरे भाई ढूंढने के लिए पहले पैसे तो दो। हाँ ये लो, अब बताओ। ये तो सच में अंतर्यामी है। अब जाकर विश्वास हुआ ना? हाँ मंदा बहन, मेरी गाय कहाँ गई? वो तो मैदान पार करके जंगल के पास जाकर हरी हरी घास खा रही है, बस कुछ समय में ही शेर के पेट में जाएगी वो। बाप रे, बहुत हो गया, अब चलो यहाँ से, एक जगह खड़े रहने का कोई फायदा नहीं। बोलो बोलो सभी, जय अंतर्यामी मंदा जी की जय। जय अंतर्यामी मंदा जी की, जय अंतर्यामी मंदा जी की। एक एक करके आओ, पहले पैसे रखो और फिर किसका क्या गुम हो गया है ये बताओ, और फिर मैं गणना करके सब कुछ बता दूंगी। मंदा, सबसे पहले तो तुम मेरा पानदान ही ढूंढ दो। पानदान ढूंढना है? अरे वाह, सुबह से ही मेरा पानदान, मेरा पसंदीदा पानदान, लाख खोजने के बावजूद मुझे अभी तक मिला ही नहीं। ठीक है, देखती हूँ। ओहो मंदा, कुछ मिला या नहीं बताओ जल्दी। जिसने भी लिया है वो इतनी आसानी से नहीं देने वाला। ए, वो है किसके पास, बस इतना बता दो मुझे। उसके बाद अगर सीधी उंगली से मेरा पानदान नहीं मिला तो मैं उंगली टेढ़ी कर दूंगा। ठीक है, तो फिर आइए मेरे साथ। दीदी ने अंतर्यामी का ढोंग करके सभी को भ्रमित कर रखा है, लेकिन वो मुझे नहीं कर पाएगी।
उसे रंगे हाथों पकड़ना ही पड़ेगा। क्यों चंदा, किसे रंगे हाथों पकड़ने की बात हो रही है? हाँ इस बार तो हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है चंदा। ये भला कैसी बात हुई? समझ जाओगी, सब कुछ समझ जाओगी। पहले तुम मेरा पानदान दे दो। लाओ दो। भला वो मुझे कहाँ से मिलेगा? अच्छा अच्छा सुनो, जाओ देखो देखो, जरा एक बार खटिए के नीचे जाकर देखो देखो देखो। अरे ये यहाँ पर कैसे आ गया? ये तो अब तुम महाराज के सामने ही जाकर समझ पाओगी। हाँ छी 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 चंदा, आखिर तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया। हाँ सुनो, चलो चलो सभी राजा के पास चलो। आपने सब कुछ सुन लिया ना महाराज? सुन तो लिया, लेकिन इस पर भरोसा कैसे करूं? सच कहूं तो मैं भी पहले भरोसा नहीं कर पा रही थी महाराज। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये बात तो है कि चंदा मेरी दुष्ट बहन है, लेकिन चंदा चोर, हाय 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 हाय, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ये पक्का इसी की कोई चाल है। अरे रे, तुम रो मत मंदा, रो मत, वरना मेरी राजसभा की कीमती कारपेट भीग जाएगी। तुम रो मत, हाँ बिल्कुल रो मत। अब जब आप कह रहे हैं तो मैं नहीं रोऊंगी महाराज। दीजिए दीजिए, इसे सजा दीजिए, मैं अपनी तकलीफ अपने दिल में ही कहीं दबा कर रख लूंगी महाराज। किसी को रोता हुआ देखकर मुझे बहुत जोर की भूख लग जाती है, भूख लग जाती है। मैं जा रहा हूँ खाने। और हाँ, चंदा को क्या सजा दी जाएगी ये कल सुबह बताऊंगा, ठीक है? तब तक चंदा को नजर बंद करके रखा जाएगा। सिपाही इस पर नजर रखो, कहीं ये भाग ना सके। क्या आज इसे सजा नहीं मिलेगी? सब कुछ समझ में आ गया है, मजा तो अब आएगा। कहाँ चला गया? अरे कहाँ चला गया, कोने कोने में खोजा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज, आपका जो कुछ भी खोया है वो दीदी ढूंढ कर दे देगी। सही कहा चंदा, तुमने बिल्कुल सही कहा। ए सुनो, यहाँ आओ, मंदा को बुला कर ले आओ। महाराज आपने मुझे बुलाया? महाराज हाँ, अरे सुबह से मेरा वो सील मारने वाला मोहर कितने खोजने के बावजूद नहीं मिल रहा है, तुम जरा जल्दी से उसे ढूंढ दो। क्या आपकी सील मोहर? हाँ, गणना करके जरा जल्दी बताओ मुझे कि वो आखिर है कहाँ। इसे ढूंढ निकालना तो दीदी के बाएं हाथ का काम है ना दीदी? अब तो मैं गई काम से। अरे ये क्या, तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? हाँ अभी और कितना समय लगेगा? नहीं नहीं, मतलब कि वो बस हो ही गया महाराज, होने ही वाला है। मतलब ऐसा तो कब से चल रहा है, ये आखिर खत्म कब होगा? महाराज वो मैं बोल रही थी कि मैं एक बार कोशिश करके देखूं। क्या तुम देखोगी? क्या तुम्हें भी गणना करना आता है क्या, बताओ? वो मुझे थोड़ा बहुत आता है। ए, ये सब क्या कर रही है? महाराज गणना के अनुसार आपका सील मोहर दीदी के पानी के मटके में डुबकी लगा रहा है। क्या ऐसी बात है? ए, सुनो सुनो जरा, तुम अभी तुरंत मंदा के घर जाकर उसके घर की तलाशी लो। अरे बाप रे, ये चंदा तो मुझे ही फंसा रही है। Thank you.
यही तो है मेरा सील मुहर। इसका मतलब हाथों से गणना करना छोड़कर मन्ना तुमने हाथ की सफाई करना शुरू कर दिया है। नहीं 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 महाराज, ये सब चंदा की साजिश है। इसी ने मेरे घर में घुसकर मेरे मटके में ये सील मोहर छुपा दी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है हा? ये कैसे हो सकता है? चंदा को तो मैंने नजरबंद करके रखा हुआ था। मैंने ये नहीं किया महाराज, दीदी के इस चेला ने किया है, जो सभी के घरों से सामान चुरा कर उसे छुपा दिया करता था और दीदी उसके बाद उसे आदेश देती थी। इसने ही तो सारा कांड किया है महाराज। ये क्या बोल रही हो, ये चेला ही सारे काम करता है? ये तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे ये क्या, अरे ये क्या, ये तो हमारे गांव का चंदू है। हाँ, जिस वक्त मैंने इसे पहचान लिया था उसी वक्त मेरी नजरों में सारी बातें साफ हो गई थी। वाह 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 वाह, लेकिन तुमने इसे इस काम पर कैसे लगा लिया? ये पैसों के लिए अगर दीदी की मदद कर सकता है तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करेगा? दीदी ने इसे गलत रास्ते पर चलाया है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये जानने के बाद आप इसे माफ कर देंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, ये काम करने के लिए तैयार हो गया। अच्छा चंदा, इसका मतलब तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था। अब मेरे मन में क्या है वो सुनो। है सुनो, मंदा को तैयार करो। जैसी करनी वैसी भरनी।